Welcome to DigiFall Tech. Please subscribe and press the bell icon. Instagram के ऐप में नया अपडेट आ चुका है, अब इसमें डेटा सेविंग का फीचर आ गया है, ऐसा Instagram के चेंज लोगों में लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। हुआवे का मैगमंग 8 नाम का एक फोन लॉन्च हो चुका है, 6 GB रैम के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, इसमें किरिन 710 SoC है, 3400 mAh की बैटरी है और इसका चाइनीज युआंग प्राइस है 1899, यानी कि 19,000 रुपये इंडियन मार्केट पे अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो। विंडोज 10 में जो एक्सबॉक्स का ऐप आपको मिलता था उसका नाम को चेंज करके अब एक्सबॉक्स कंसोल कर दिया गया है और ये चेंजेस आपको देखने मिलेगा विंडोज 10 के मई 2019 वाले अपडेट पे। आईट्यून विंडोज के लिए एज इट इज वर्क करेगा, उसका नाम वही रहेगा, सेम ऐप आएगा यानी कि सेटअप फाइल उसका आएगा, सॉफ्टवेयर इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। हालांकि मैक ओएस के लिए आईट्यून को मतलब डेड करके एप्पल पॉडकास्ट के साथ कंबाइन करके उसको मैक ओएस में कैटेलिना वर्जन 10.15 में लॉन्च कर दिया है। मोजिला के नए अपडेट में अब मोजिला में आप बाय डिफॉल्ट ट्रैकर को ब्लॉक कर सकते हैं, इनहेंस्ड ट्रैकिंग प्रोटेक्शन फीचर आ चुका है। Redmi Note 7 Pro आज शाम को 4 बजे बिका है इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग Flipkart पे, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था Flipkart के वेबसाइट पे, इसलिए दोपहर 12 बजे ये सेल नहीं हो पाया, इसलिए 4 घंटे के बाद शाम को 4 बजे ये सेल हुआ है। Samsung Galaxy A80 इंडिया में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इंडियन वेबसाइट पे इसे टीज कर दिया गया है, इसमें मिल रहा है स्नैपड्रैगन 730G वाला SoC मिल रहा है और इसमें मॉड्यूलर डिजाइन है। मॉड्यूलर डिजाइन कहने का मतलब फ्लिप डिजाइन है कैमरा का, सेल्फी कैमरा ही मेन, मतलब मेन कैमरा ही आपका सेल्फी कैमरा है और इसकी प्राइस रखी जाएगी 45,000। सैमसंग का यही चीज है कि सैमसंग अपने आप को हमेशा ब्रांड ही समझता है, आप 730G वाला प्रोसेसर वाला फोन 45,000 पे क्यों लेंगे, भले सैमसंग कितना भी इनोवेट करके दिखाए, आप कॉमन सेंस लगाइए, 45,000 में तो आपको इवन ब्लैक शार्क मिल जाएगा, ओप्पो का रेनो मिल जाएगा और ऑनर का 20 मिल जाएगा, 20 प्रो मिल जाएगा, इवन आपको 45 में गूगल का पिक्सल 3A भी मिल जाएगा, तो आप इस फोन को क्यों लेंगे सिर्फ सैमसंग के ब्रांडिंग के लिए। मोटोरोला का मोटो वन विजन इंडिया में लॉन्च होने वाला है 20 जून को, कंफर्म हो चुका है, 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला इस पे डिस्प्ले रहेगा, मोटो का टर्बो चार्ज सपोर्ट के साथ। नोकिया का फोन कल लॉन्च होने वाला है 6 जून 2019 को इंडियन मार्केट पे, इसमें गूगल असिस्टेंट का डेडिकेटेड बटन दिया जाएगा। मेरी माने गूगल नोकिया तो गूगल असिस्टेंट के डेडिकेटेड बटन को आप हटा के एटलीस्ट डेडिकेटेड कैमरा बटन प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि आपके पुराने एन सीरीज ई सीरीज के फोन्स पे होते थे डेडिकेटेड कैमरा बटन, या फिर शटर वाले फोन होते थे, जैसे ही आपने बैक पैनल के कैमरा के शटर को स्लाइड किया कैमरा ऑटोमेटिकली रन हो जाता था। इस फोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक भी रहेगा और ये फोन लगभग 20,000 के आसपास आ सकता है। इसमें स्नैपड्रैगन 660 SoC होगा, पीछे 48 मेगापिक्सल कैमरा रहेगा, फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है, 3400 mAh की बैटरी, नोकिया का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आएगा इसमें 17 वॉट का, डबल 4G वोल्टी, और ये फोन आपको स्नैपड्रैगन 660 के साथ मिलेगा, 6.4 इंचेस का इसमें डिस्प्ले हो सकता है। सैमसंग का 45 वॉट का चार्जर गिग बेंच पे स्पॉट किया गया है, यानी कि सर्टिफिकेशन पेज पे इसे स्पॉट कर लिया गया है BSI के मार्क के द्वारा, ये आपको लॉन्च होने को मिलेगा गैलेक्सी नोट 10 स्मार्टफोन के साथ। अच्छी बात यह है कि आपको ये बॉक्स के साथ ही दिया जाएगा, आपको अलग से परचेस नहीं करना पड़ेगा। सोनी ने अपना होम थिएटर लॉन्च किया है, यानी कि साउंड बार लॉन्च किया है स्मार्ट टीवीज के लिए या फिर LED पैनल वाले टीवीज के लिए, जिसकी प्राइस रखी है 18,000 रुपये। अगेन वही जैसे मैंने सैमसंग के गैलेक्सी A80 के लिए बोला था, सोनी भी सिर्फ ब्रांड ही कर रहा है कि सोनी की क्वालिटी मानते हैं सबसे बेस्ट होती है, बट आप एक स्पीकर का प्राइस वो भी 2.1 चैनल का
प्राइस रखते हैं 18,000। 18,000 में यहाँ इंडियन ब्रांड में एंड्रॉयड टीवी मिल जाता है 43 इंचेस का, चाइनीज ब्रांड एमआई के तरफ से, फ्लिपकार्ट का खुद का ब्रांड मार्क क्यू के कंपनी के तरफ से, वीयू के कंपनी के ब्रांड से और अदर एडिशनल ब्रांड्स के आपको एंड्रॉयड टीवी मिल जाते हैं 18,000 रुपीज में, 21,000 रुपए तक, 21,000, 18,000, 20,000 रुपए में, 43 इंच का वो भी। तो आप सिर्फ एक होम थिएटर लेंगे वो भी 18,000 रुपए में। गूगल का स्टेडिया गेम स्ट्रीमिंग सर्विसेज के कुछ डिटेल्स को लॉन्च किया जाएगा 6 जून 2019 को। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है इंडियन मार्केट के लिए 2021 पे ही आएगा, बट इसे इसके कॉन्सेप्ट, पैकेज, सर्वर्स, डिटेल्स इसे अनवील किया जाएगा अदर कंट्रीज के लिए। गूगल क्रोम का वर्जन 75 रोल आउट हो चुका है। इसमें आपको कुछ नए फीचर्स मिलेंगे, जैसे ऑटो फिलिंग का एक नया वेरिएंट आया है। आप अपने पासवर्ड को सेव करके रखते हैं तो आपके पेजेस पे वो ऑटो फिल नए तरीके से करेगा। पॉपअप मेन्यू में चेंजेस किया गया है, डेवलपर टूल्स पे इम्प्रूवमेंट किया गया है, जेस्चर सपोर्ट लाया गया है और सिक्योरिटी की को भी इम्प्रूव किया गया है। रेडमी का K20 प्रो इंडिया पे मिड जुलाई 2019 पे लॉन्च होगा, क्योंकि ट्वीट करके मनु कुमार जैन ने ही कंफर्म किया है, जो कि रेडमी के सीईओ है इंडियन मार्केट के लिए। इसमें आपको मैं बता दूं K20 Pro पे स्नैपड्रैगन 855 है, K20 पे स्नैपड्रैगन 730 है, बाकी कुछ कुछ और भी चेंजेस हैं। आप इनका वेट कीजिए कि ये काफी अच्छे फोन है और रियल मायने में ये फ्लैगशिप किलर फोन है। COI ने कहा है कि इंडिया पे 5G स्पेक्ट्रम का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, लगभग 4.92 बिलियन का ये हो सकता है इसका प्राइस जब ये नीलामी स्टार्ट होगा ट्राई के द्वारा, और ये होगा Q4 2019 पे कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि ट्राई ने कंफर्म किया है। गूगल फेस कर रहा है प्राइवेसी कंप्लेन को यूरोपियन मार्केट के लिए। कुछ ने गूगल के खिलाफ कंप्लेन किया है कि कुछ प्राइवेसी इशू ग्लिच हुआ है और इस पे मार्केट पे इसका असर पड़ा है $273 बिलियन का। गूगल का फोटोस जो ऐप है उसका नया वर्जन 14.17 पे अब आपको डार्क मोड का सपोर्ट आ गया है, आप जाके इसे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं ये फिलहाल स्टॉक एंड्रॉयड और फ्लेक्सिप ग्रेड वाले मॉडल्स के लिए ही अवेलेबल है। अगर आप मिड रेंज, डाउन ग्रेड, लोअर रेंज के फोन यूज करते हैं तो आपको इस अपडेट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर आप अगर वेट नहीं कर सकते हैं तो आप थर्ड पार्टी XDA डेवलपर के वेबसाइट्स पे जाके इसे साइड लोड कर सकते हैं। ZTE ने नया पेटेंट रजिस्टर करवाया है जिसमें टू पंच होल वाले डिजाइन वाले कैमरा है, बट ये सेपरेटेड पंच होल है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही होल के अंदर टू कैमरा फिट करके दिया जाएगा, ये एक नया डिजाइन इन्होंने पेटेंट करवाया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल डीजी पॉल टेक को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन एक बार में मिल जाए। थैंक यू।